तो आज आईपीएल 2020 का 17वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 208 रन बना दिए। अब जवाब में आई सनराइजर्स हैदराबाद को बनाने थे जीतने के लिए 209 रन, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 174 रन ही बना सकी 7 विकेट खोकर। और इस प्रकार से मुंबई इंडियंस ने इस मैच को जीत लिया है 34 रनों से। अब आइए बात करते हैं कि किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने उतरते हैं रोहित शर्मा और उनके साथ आते हैं क्विंटन डीकॉक। कप्तान रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आए और 5 गेंदों के अंदर 6 रन बनाकर ही वापस पवेलियन लौट गए, लेकिन क्विंटन डीकॉक खेलते रहे और लगातार खेलते हुए 39 गेंदों के अंदर 67 रन भी बना दिए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 18 गेंदें खेली और 27 रन बनाए। ईशान किशन ने 23 के अंदर 31 रन बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए। वहीं किरण पोलार्ड ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन बनाए। अब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो उनके भाई यानी कि कुणाल पांड्या आए, महज 4 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के मारे, 2 चौके मारे और 20 रन भी मारे। और इस प्रकार से मुंबई इंडियंस का स्कोर अब 200 के पार पहुंच गया। शायद अगर ये रन नहीं बनते और कुणाल पांड्या नहीं आते तो सनराइजर के पास एक मौका होता और इस मैच को जीतने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप बात करें कि सनराइजर्स की ओर से किस बॉलर ने कितने विकेट लिए, तो सनराइजर्स की ओर से 3 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने विकेट लिए, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल और राशिद खान। राशिद खान को 1 विकेट हासिल हुआ, वहीं शर्मा और कौल को 2-2 विकेट हासिल हुए। अब बात करते हैं सनराइजर्स की बैटिंग की कि सनराइजर्स की ओर से किस बैट्समैन ने कितना स्कोर बनाया और मुंबई इंडियंस की तरफ से किस बॉलर ने कितने विकेट लिए। तो सनराइजर्स की ओर से ओपनिंग करते हैं डेविड वार्नर और उनके साथ आते हैं जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर काफी शानदार प्रदर्शन में नजर आते हैं, जहां वार्नर 44 गेंदों का सामना करते हुए 60 रन बनाते हैं। वहीं जॉनी बेयरस्टो 15 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन भी बनाते हैं। वहीं उनके बाद आते हैं मनीष पांडे, जो कि 19 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाते हैं। वहीं केन विलियमसन सस्ते में ही वापस पवेलियन लौट जाते हैं और यही कह सकते हैं सनराइजर्स का हार का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। केन विलियमसन 5 गेंदों में महज 3 रन ही बना पाते हैं। इनके बाद प्रियम गर्ग भी चलते बनते हैं। प्रियम गर्ग 7 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन ही बनाते हैं। वहीं शर्मा 13 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाते हैं और अब्दुल समाद 9 गेंदों का सामना करते हुए 20 बनाते हैं। वह राशिद खान 7 गेंदे खेलते हैं लेकिन 3 रन ही बना पाते हैं। और संदीप शर्मा को 1 ओवर हासिल हुई जिसमें वो 0 रन बनाते हैं और वापस पॉलिन लौट जाते हैं क्योंकि 20 ओवर खत्म हो जाते हैं। और इस प्रकार से सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को हार गए और कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस इस मैच को 34 रनों से जीत गई। तो कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। और साथ ही अगर आपको कुणाल पांड्या की बैटिंग पसंद आई हो जिसमें 4 गेंदों के अंदर 20 रन बनाए हैं, लास्ट में आकर मुंबई इंडियंस की एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया, तो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दें। हम फिर मिलते हैं आपसे आईपीएल के अगले मैच के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।